नमस्कार देवी और सजनों, इट्स योर बॉय डीवी हियर, एके डार्क बॉय, एंड वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट का अचीवमेंट वर्ल्ड में। हाँ तो गाइस, ये हमारा अचीवमेंट वर्ल्ड है। हम इसमें 2 से 3 हफ्ते पहले से खेल रहे हैं और हम सोचे कि ये जो फार्म हम बनाए थे इसको थोड़ा नया लुक दे और इसका ऊपर एक वीडियो भी बना दे, क्योंकि हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है तो उसमें भी एक तो अपलोड कर देंगे। और बता दें, ये जो घर देख रहे हो ना, ओपी वाला घर है बेटा, लेकिन वो अलग बात है कि क्रीपर ने थोड़ा सा उड़ा दिया साइड से, पर कोई बात नहीं, घर भी आपका कोई वीडियो आएगा घर बनाने के लिए, अच्छा वाला घर एक तो बनाएंगे। तो बात कर लेते हैं, आज जो बेसिकली करने वाले हैं, हमारा जो फार्म है ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को ऐसा लगता है, और हम इसको थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, इसका शोभा जो है मेंटेन करेंगे, क्योंकि सुंदरता मेंटेन करना सबसे बड़ी चीज़ होता है, मतलब बड़ी बात होता है, पहले उसको करना चाहिए। तो हम चल रहे हैं, पहले तो बता दे रहे हैं जितना सब लगे हैं चीज़ें, जैसे कि कांदा, भजिया, आलू, गेहूं, सब कुछ हटा देंगे यहाँ से और उसके बाद जाके ये फेंसेस को हटाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं और इस सबको हटा देते पहले, और थोड़ी टाइम का आपको हटा के भी मिलते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। हाँ तो गाइस, फाइनली सब कुछ हटा दिए हैं, पूरा खाली कर दिए मैदान को, और हमारा दोस्त भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिसका नाम है शैडो बॉय। और पहले नीचे चले जाते हैं, अरे हाँ टूट गया, बता दे रहे जितना सब चीज़ें कलेक्ट हुआ उसको हम ये चेस्ट देख रहे हो तो यहाँ इसका अंदर रखे हैं, ये देख लो, ठीक है, बहुत सारे बढ़िया चीज़ें। और बता दे शैडो बॉय, बेटा इधर आ जा, बेटा इधर आ जा, हाँ हाँ काम शुरू करते हैं गाइस। हम जो है इधर से तो फेंसेस को शैडो बॉय राइट से हटाना शुरू कर, तू मैं लेफ्ट से हटा रहा हूँ, ठीक है, राइट से अबे राइट से हटा, ठीक है गाइस, ये लेफ्ट से हटा रहा है, हम राइट से हटा रहे हैं और हटा के आपको बहुत जल्दी मिलते हैं, ठीक है। हाँ तो गाइस, इसी के साथ, अरे क्यों मारा बे शैडो, मत मार मेरा भाई। हाँ तो गाइस, अब इसी के साथ सब फेंसेस को हम हटा दिए हैं, अभी हमारा काम है जितना भी वाटर सोर्स है, मतलब पानी आपको दिख रहा है उसको भी बंद करना पड़ेगा, तो उसको ही बंद करते हैं पहले, ठीक है। पहले हाथ में डर्ट उठा लेते हैं, ये देखो यहाँ, हाँ तो गाइस इसी के साथ फाइनली सब कुछ, ये एक बाकी है बस, हो गया शैडो बॉय, पीछे एक तो है उसको क्लियर कर, जल्दी आ जा सोने के लिए, रात हो गया। तो गाइस साहब, इसी के साथ रात भी हो चुका है और हम चल रहे हैं सोने के लिए, अरे वहीं पे सो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम चलते हैं सोने। हाँ तो गाइस, इसी के साथ सुबह भी हो चुका है, ठीक है, शाम गया सुबह हुआ, और आपको दिखाते हैं किस तरह का हम डिज़ाइन बनाए हैं। सुबह होते हम थोड़ा बहुत काम भी कर दिए, क्योंकि शैडो बॉय को जाना पड़ा, थोड़ा काम था उनका, और ये देखो नज़ारा देख रहे हो, हाँ कितना खूबसूरत है। तो तैयार हो जाओ गाइस, दिल थाम के और आपको सता आना वाला, अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, सही है, बहुत बढ़िया दिख रहा है गाइस, मुझको तो बढ़िया दिख रहा है, आपका कैसे दिख रहा है कमेंट करके बताना। तो नीचे चलते हैं, और गाइस अभी हम क्या करेंगे, चारों ओर से बाउंड्री उठाना पड़ेगा, हम इसको एक सर्किल में डिजाइन जैसे बनाया है उसके ऊपर, सर्किल का जो बाउंड्री का जो निशान दिया है उसका ऊपर हमको, रुको ये टूट गया बाबा, हाँ बस परफेक्ट हो। तो गाइस हाँ, तो उसका जो दिए हैं उसका ऊपर लकड़ी लॉक लगाना पड़ेगा, उसको थोड़ा हाइट बनाएंगे, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा, हेलो चचा, अबे चचा गलत लाइन पे आ गए, अबे तुम पानी में रहते हो, हाँ बाहर भी रहते हो जो, उधर जाओ, उधर समुंदर उधर है बेटा, गलत रास्ते में आ चुके, जाओ। हाँ तो गाइस आप बोल रहे थे कि अभी जो है हम लॉक से यहाँ पे उठाएंगे एक एक लाइन, ठीक है, पहले तो एक एक का हाइट बनाते हैं फिर देखते हैं मतलब कैसे होता है, ठीक है। अभी देखिए ये एक ऐसे ही गाइस, मार्किंग जितना भी मार्किंग प्लेस देख रहे हैं उसमें से एक एक लॉग आपको लगाना है, पहले एक का हाइट बनाएंगे उसके बाद देखेंगे, तो सब कुछ लगा के आपको मिलते हैं, ठीक है चलिए। हाँ तो गाइस फाइनली इसका भी काम मजदूरी खत्म हो चुका है और कुछ इस तरह का लुक दिख रहा है, बहुत खतरनाक, मेरे को तो बहुत खतरनाक दिख रहा है, थोड़ा सा ग्राफिक्स मार खा जा रहा, मतलब डाउन हो रहा है थोड़ा, देख के मैनेज कर दीजिएगा आप थोड़ा, बता दे रहे बहुत कूल दिख रहा है मेरे को। और हम सीधा निकल रहे हैं, अब थोड़ा पत्थर चाहिए उसका अंदर डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, और पत्थर हमारा माइंड में हम बहुत सारे पत्थर रखे तो उधर ही जा रहे हैं। और ये मिली है हमारा दो दोस्त, इसका नाम है चंगू और साइड में मंगू वाला एक तो है, दिखा देंगे आपको, लेकिन इनका काम था इसके अंदर आके मरने के लिए, दिखा रहा हूँ ये देखो ये जगह में, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है, बाहर का घूम रहे बेटा, छोड़ो गाइस उनको, वो थोड़ा क्या बताएं उनके बारे में,
जितना बार भी उनको मार के अंदर गिराऊं बाहर ही आ जा रहे हैं, मतलब स्पॉन बाहर हो रहे, पता नहीं आयरन फार्म क्या हुआ, दिक्कत हुआ उसका, ख़राब हो गया आयरन फार्म। एक तो बड़ा सा सर्वर बनाएंगे, उसमें हम अच्छे से एक तो आयरन फार्म बनाएंगे, ठीक है। और सर्वर का नाम भी बता दूंगा जब मेरा वीडियो 5-6 वीडियो अपलोड करूंगा उसके बाद, ठीक है। बहुत बढ़िया और बड़ा अच्छा सर्वर होने वाला है, अभी कुछ डिस्क्लेमर नहीं दूंगा, मतलब कुछ बताऊंगा नहीं पहले से। और बता दो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो तो लगाए हैं, ये फ्लावर्स है, फ्लावर्स बहुत महंगा वाला, और घर जाएगा इसमें, ठीक है। बंद कर देते हैं दरवाज़ा, कहीं ज़ॉम्बी ना घुसे। हाँ तो हम गाइस बेसिकली आए थे, हमारे कुछ पत्थर चाहिए, यहाँ से मिल जाएगा चेस्ट में। ये रुको, ये बहुत सारे पत्थर खोद के रखे हैं, कोबाल्ट स्टोन उठा लेते हैं। ये है डीप स्लेट कोबाल्ट स्टोन, ठीक है। बहुत इंग्लिश का वर्ड बहुत तगड़ा वाला है, आप लोग का मुँह में ये उच्चार नहीं हो पाएगा, ठीक है। रुको इसका बनाते हैं, स्लैब बनाने का, इस स्लैब चारों ओर लगा देंगे, उसके ऊपर डर्ट लगाएंगे, ठीक है, जो हम फार्म बनाए तो सही दिखेगा। तो बनाते हैं पूरा जितना भी स्लैब है। ये नया वाला जो ऑटोडा है इसमें थोड़ा गड़बड़ी कर दिया, इसको दबा के रखना पड़ता है पूरा फोल्ड करके, ठीक है। इतना हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से, 3-3 6 6 6 हो जाएगा। और ये बनाते और एक रहने दो, बाकी सब स्लैब रख देते हैं, स्लैब बोल रहा हूँ, जितना भी सब बचा है पत्थर वो सब रख देते हैं, 28 छो रहने दो। चलो ऊपर चलते हैं गाइस, हो चुका है हमारा स्लैब, बन चुका है, अभी स्लैब को प्लेस करना है। हाँ तो गाइस जगह में भी पहुँच चुके हैं, और चलिए सीधा स्लैब को प्लेस करते हैं। इसमें भी बहुत थोड़ा मतलब लेंथी प्रोसेस है, मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इसको भी हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दे रहे हैं, आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। हाँ तो गाइस इसी के साथ फाइनली पत्थर लगाने का काम भी जो हमारा ख़त्म हो चुका है, मतलब स्लैब प्लेस कर चुके हैं, इसका ऊपर से डर्ट लगाना है। तो सीधा चलते हैं, बिना कोई बकवास किए हैं डर्ट लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए लग चुका है, और इसको भी हम फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है लोगों के लिए। हाँ तो गाइस फाइनली और एक बार फिर से मुलाकात हो जा रही है, पूरा बेसिक डिज़ाइन रेडी है, अभी जो काम है सिर्फ फेंसेस लगाना है साइड में, ठीक है। तो फेंसेस भी लगा देते हैं, ये देखो यहाँ पे एक रुको, यहाँ पे एक प्लेस होगा, और इसको भी हम फास्ट फॉरवर्ड में ही करेंगे। आप लोग सोच रहे हैं इतना फास्ट फॉरवर्ड काहे कर रहे हो, मजबूरी है गाइस समझो, ठीक है। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड में शुरू करते हैं। म्यूजिक इफेक्ट के लिए गाइस पैसा नहीं था तो मुंह से निकाल दिए। तो फाइनली बेसिक नहीं पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, अभी जो काम है सिर्फ इसका अंदर वो लगाना रहता है, क्या बोलते हैं इसका खाना पीना जितना भी, गाजर आलू तो वो भी लगा के आपको फाइनली मिलते हैं। हाँ तो गाइस साहब सुबह रात बहुत खतरनाक गया, 2-3 फाइट हुआ, 3-4 जानवर को निपटा दिया मैंने, मतलब बहुत खतरनाक लड़ाई हुआ, अब बाद में कहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। और सीधा ऊपर चलते हैं, स्कैप फोल्डिंग हमने लगाए हैं, बहुत मेहनत करके बॉम्बो लाए थे जंगल फॉरेस्ट से, तो इसके अंदर से हम यूज करके हम बनाए हैं ये स्कैप फोल्डिंग। और साउंड इफेक्ट के लिए पैसा नहीं था तो ऐसे ही देना पड़ रहा है। तो ये देख लो बवाल बनाया है भाई साहब, बता रहा हूँ ये जो सिस्टम देख रहे हो ना, ये करोड़ों में एक बार आदमी बना सकता है, मतलब बहुत कीमती वाला है, गरीब लोग नहीं पता होगा आपको। रुको पहले इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि स्कैप फोल्डिंग बहुत कीमती चीज़ है गाइस, आपको पता नहीं होगा लेकिन हमारे लिए है, हम बहुत दूर जाके लाए हैं, हमको पता है 4,000-5,000 ब्लॉक जाके लेके आए हैं, हाँ कलेक्ट हो चुका है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं, ये देखिए देख रहे हो कैसे ऐड किया हूँ, ये देखो घास, ये देखिए वो कटरी से थोड़ा एक दो मारना पड़ा इसे डिज़ाइन के लिए, लाइट टच लगा दिए, ये देखो 2-3 खंभा भी गाड़े हैं जिससे बहुत लुक बहुत बढ़िया रहे, 2 खंभे गाड़े हैं। और ये जो है रास्ता इसका, इधर चगना आपको, अरे चल जा, हाँ बस अभी अंदर के लिए शेर के लिए तैयार रह जाइए। ये देखिए गाइस देख रहे हो कैसे हुआ है हम भाई साहब, ये गाजर हो गया, ये आपका आलू, पटाटो बटाटा कुछ भी बोल लो गाइस, इंडिया में तो बहुत सारे नाम बोलते हैं, और इसका नाम भी गाजर है, इंग्लिश में बोलते हैं कराठ, सॉरी ऐसा कुछ बोलते हैं कराठे फराठे। और ये हो गया गेहूँ, मतलब वेट तो इंतज़ार करने को वेट बोलते हैं, कोई बात नहीं, इसका भी नाम कुछ ऐसा ही है। और नज़ारा देख रहे हो तो हा? वो देखो घर हमारा, बहुत बहुत सही नज़ारा आ रहा है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, और नीचे वाला बता रहे हैं इसका नीचे थोड़ा ज़्यादा प्लेस हमको मिला, उसको भी हम थोड़ा बहुत डिज़ाइन किए हैं कि लुक जो है मतलब शोभा सिस्टम सुंदरता ये तो बरकरार रहे, ठीक है। और आपको दिखा दे रहे हैं, ये आपको इधर जाना है, ये देखिए टर्च भी लगा दिए हैं, रात के अंधेरे में कोई दिक्कत ना रहे,
दरवाजा खुले टैन टैन साउंड इफेक्ट बार बार दे रहा हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है गाइस, साउंड इफेक्ट नहीं देते हैं और बता दे रहे। देखिए ये अंदर, देखिए बाहर से जो डिज़ाइन किया था ना, इसका थोड़ा अंदर में भी लुप्त उठाया जा रहा है। और ये देखिए अंदर तो क्राफ्टिंग टूल लगाए हैं, टच लगा दिए, इसको आप उठा सकते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया सुंदर था, टेबल बना रहे थे लेकिन पता नहीं क्या बन गया, जो भी बना सही बना। और यहाँ पर चेस्ट भी प्लेस कर दिए, इसके अंदर देखिए क्या है, आलू। और इसके अंदर देखिए क्या है, ये सीड्स है, ठीक है। और गाजर, बीटरूट, इसके अंदर कुछ रखे नहीं है, रखेंगे होप हो रखेंगे। और ये वाला जो रूम है ये अभी भाड़ा में चल रहा है हमारा, मतलब हम यूज नहीं कर रहे, भाड़े पे लिए, जिसको लेना है आ जाए ना, ये भाड़े पे है, ठीक है। तो बस इतना है गाइस, अब मुझे तो बहुत बढ़िया लगा जिसे डिज़ाइन किया, क्योंकि मेहनत बहुत लगा है, 3-4 रात तो यहीं गुजर गए मतलब ये वर्ल्ड में। और तो जैसा लगा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस। तो आपको मिलते हैं, मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो में, हम बनाने वाले हैं ट्री हाउस, उसी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।